72 घंटे ही बीते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद में लगी है। वहीं कांग्रेस को उसकी सहयोगी पार्टियां अभी से आंख दिखाने लगी है। राजस्थान में कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी ने मीटिंग में ना बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। आदिवासी पार्टी के इकलौते सांसद के एनडीए को समर्थन करने की भी चर्चा है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ गठबंधन किया था। बदले में नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को दी गई थी। इस सीट से बेनीवाल जीत गए। नतीजों के बाद इंडिया की बैठक में हनुमान बेनीवाल को बुलाया नहीं गया, इससे वो नाराज हो गए। उनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, इस कारण मेरी इंडिया गठबंधन से नाराजगी है, लेकिन मैं बीजेपी के साथ भी नहीं जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से पहले आरएलपी का गठबंधन बीजेपी के साथ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आरएलपी के लिए नागौर सीट छोड़ दी। इस सीट से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़े और जीत गए थे, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर उनकी बीजेपी के साथ अनबन हो गई। 2020 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने चंद्रशेखर रावण की पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। 2024 में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और बदले में मिली नागौर सीट से जीत, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने से वो नाराज है। ठीक इसी तरह भारतीय आदिवासी पार्टी भी नाराज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने बीएपी का समर्थन किया। नतीजा ये रहा कि बीएपी के राजकुमार राउत करीब 2.5 लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंच गए। बीएपी के सांसद राजकुमार राउत भी इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज है। उनका कहना है कि बीएपी को कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही। राजस्थान में चर्चा है कि बीएपी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। हालांकि सवाल पर राजकुमार राउत अभी चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल वो कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। आरएलपी और बीपी के अलावा कुछ और पार्टियां भी कांग्रेस के रुख से नाराजगी जता रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई। हालांकि एनडीए को 993 सीटें मिली है और ये नंबर सरकार बनाने के लिए काफी है। बावजूद इसके बड़े दल टीडीपी और जदयू पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए बीजेपी की नजरें छोटे दलों पर है। इसमें आरएलपी और बाप को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए का आंकड़ा 300 से ऊपर रहे, जिससे उसकी सरकार पर कभी खतरा ना मंडराए।